Uncut. Satnam Kartapurk Nirpo Nirvair. Akal Murat. Juni Sapang Gurprasad Jap Adi Sach Jugadi Sach Happy Sach Nanak Husi Phi Sach Adi Sach Jugadi Sach Happy Sach Nanak Husi Phi Sach. Hirde Te Rona Ji. Please come at the heart area. Hirta. A spot behind our heart towards the center. Also connected with the spine. Hirta ek jagah hai, dil nahi, dil nu te maharaj ji dil kehnde ke Dilo Mohabbat Jin. Jin ki dil sabit nahi. Hirda ji, ji appa bahut var vichariya. Socha sochna huvai je sochi lakhvar main kaun ha sab kuch ki hai भावे कोई सारी जिंदगी सोचता रवे कुछ पता नहीं लग सके द वेरी फर्स्ट अटरेंस इन गुरु Gurbani Japji Sahib Ji vich ke just by thinking one can never even estimate that who am I and what is this whole. Think creation. Chup chup na huvai
मुंह बोलना बंद विभा में कर दिए, पर अंदर चुप नहीं होता। मुंह नू बोलन तो भावे चुप कर दिए, पर अंदर बहुत कुछ चलता रहता, बोलता रहता। Even if we become silent, but in the interior, the noise cannot be stopped. जी अपने आप नूं उत्थे जकड़ के रखना हिरदे ते। कल जो असीं गल कीती सी कि सरदार गुरमेल सिंह धालीवाल जी सरी तो कि बहुत मेहनत करके पिछले बहुत सालों तो महाराज जी की गुरबाणी जिस जिन्नी समझ नाल उन्हां अपनू समझाई अपनी समझ नाल जिन्नी आप समझी वो बहुत दीवाना विच्चों एक जिस तरह सुन दे बारे होर सारे चैप्टर उन्होंने इकट्ठे करके दिया, वो इकट्ठे कर रहे ताकि जो आप किसी भी विषय बारे जानना हो तो महाराज जी वो बारे किस तरह समझाते वो काम कर रहे। बहुत बड़ा काम उन्होंने मूँह एक गल निकली वो कहन लगे कि जो हुण गुरबाणी की गल हो रही वो सिर्फ उन्होंने समझ आ सकती जिन्हां ने घटो घट 10 साल संगत की। असीं हैरान हो गए कि गल ते उड़ा उड़ा दी हो रही गल ते पहली पौड़ी दी हो रही, गल ते मूल मंत्र दी हो रही। कमाल दी गल इस चीज नूं जी हुण ये गल सच्ची जे रब ही बोलदा है सारिआं दे मूँह जे आपां अंदर धार लिया होवे कि इहदे मूँह जो भी निकलिया वो रब दा ही बोल होना तो फिर रब नूं फिक्र पै जांदा कि बंदा कुछ ऐसी गल ना कर देवे कि अगले दा नुकसान हो जाए, फिर आप बोलूगा। उस बंदे नूं भावें पता भी ना होवे
कि पै ऊड़ा ऐड़ा समझन ले दस वरे संगत घट तो घट। हाँ जी हुण पिछे जाके पढ़ना जी वो सुनने दीवान जो महाराज जी ने समझाए वो पढ़निया तारनावा हाय नहीं मेरा जी नहीं लगता ऐस मैं देना ले। वो पढ़निया जो पंदर दे नाल वो पढ़निया माए नी माए सानू इश्क ने हाथ छुआया अद्धी अद्धी राती उठ लब्बा नी मुहब्बत नू हुण सुन गया उदो नहीं सुनिया सन अज भी शायद पूरिया ना सुन सकन पर कुछ सुन जान गया चुप है चुप न हो गई जे लाए रहा इत्थे एक गल की थी जड़ी काफी ऐस रस्ते दी काफी जमातां पढ़न तो बाद समझ आनी है। गुरु ग्रंथ साहब जी इस तरह नहीं हन कि शुरू में चूड़ा ऐड़ा ते अंत विच यया रारा लल्ला वावा डाड़ा इस तरह नहीं है। वो दुनियावी पढ़ाई होंदी है इत्थे शुरू विच ही एक ओंकार उच्ची तो उच्ची डिग्री दी गल शुरू ची अजे उड़ा एड़ा भी नहीं सीखा एक ओंकार एक ताकत है आज सब कुछ उन्हें बनाया होया ते वो जो कुछ भी बनाउंदा उहदे नाल एका ते उड़ा कट्ठे हैं वो जो कुछ भी बनाउंदा उहदे नाल रहिंदा पर एका अलग है वो ओंकार अलग है। कोई दस सकदा जी क्यों एक ने बनाई ओंकार ओंकार नूं आपां करांगे गल ओंकार उहदी रचना है तू अपनी रचना दे विच रचिया होया ते फिर एक अलग क्यों। महाराज जी उन्होंने वाया एक अलग क्यों वाया अपनी रचना तो जदों कि वह रचना विच रचिया होया can anybody je o eka o ankar de naal jod dende te da matlab si jo o ankar unne te khatam hona hai te je eka vi o ankar de naal judya hunda te da matlab jadon rachna khatam ho वो कर देते आप भी खत्म हो जाते समझते जी। I was asking that Maharaj Ji wrote one separately and Ohankar separately. Ohankar represents his creation. And he tells us that whatever he creates, he remains with that. He dwells within that, whatever he creates.
Dhanvai Maharaj wrote one, why he separated one and Omkar. Then why he separated the Creator and the creation and his creation? When he wrote it, because whatever he creates is time bound. Is time bound. That is going to be destroyed by him after the given time. Had he written one connected with Omkar, with his creation, it would have meant that when the creation dies, when the creation is no more, God will also be no more. That's why he, one is separate from Omkar. That one has been, one is going to be. Period. Ji kal jo gal hui si ke yaad bare कि याद रखने नाल फिर एक पल आता है कि अपने अंदर चुप द बंब फटता है, चुप द बंब फटता है तो अपन बोले कर देता है दुनियावी गल्लां वल्लों। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲੱਖ ਹੋਣ, ਲੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਟੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਵਸਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ। ਸੁਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਚੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
क्योंकि कहानियां नहीं ढूंगी. द स्टोरी इज सो डीप. चुप है चुप ना हो भी जलाए रहा लगता कि तू चुप नहीं हो सकता किसी भी तरीके ना. वाह चुप क्यों जरूरी है. He says there is no way you can become quiet, you can become silent within, no matter what exercises you do to become silent. Why the silence is necessary? He is giving us hint here that this जे इनू पल्ले नहीं बनया तो फिर अगे कुछ नहीं पता लग किस. चुप होना चुप वो चुप का तमाका किस तरह पैंदा है. चुप हुई तो किस तरह है. कल इन्नी क गल हुई सी कि उन्हों याद रखन नाल, याद रखन नाल की हुंदा आपां महसूस करन लगदे ना जी. हाँ जी. और फिर आपां देखिया अगे जो सिद्ध गोष्ठ विच महाराज जी होने समझाया. सिद्ध गोष्ठ अजे रहिंदा है विचारन वाला पर वो बरसी तो बाद फिर शुरू करेंगे. दूसरे जन्म की गल जिदे विच उदे च उन्होंने समझाया सी कि अपने आप नूं समर्पण करना है. आपां बहुत वारी गल सुनी पछम दिया देशों में एक गल उजानते हैं सुनी हुई सुरेंडर करना है. सुरेंडर करना पर जानता कोई विरला है. सुरेंडर करने का मतलब की होंगे अर्पण करना है अपने आप को. अर्पण करने का मतलब की है. आओ संत प्यारे ओ अकथ की करें कहानी. करें कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईए. तन मन तन सब सौंप गुर को. अगे हुक्म मने पाई है. आ लाइन एक जिन्हों समझ आ गई. बस कोई भी लाइन इहदे विच महाराज जी कहिंदे कि अपने आप नूं पहला साडे हवाले कर. अर्पण द मतलब महाराज जी सेज यू मस्ट बिकम टोटली साइलेंट विद हिम टू नो हु यू आर एंड टू बिकम साइलेंट. You cannot yourself become silent. You have to surrender yourself to me. But what does surrendering mean? But what does surrendering mean? Aap gawaiye taan sopaiye अबर कैसी चतराई.
Chatrai, clever intelligence. Upon Vicharya si ek clever intelligence undi, ek innocent intelligent. We become like children. Our intelligence would be innocent. Worldly intelligence is clever. And because of that, what we have, what the world has taught us, we have lost the real gems, innocence. Arpan karan da matlab jadon dusre janm vich dusre janm layi Maharaj ji gal karde ke ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਨਹਜਪਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ प्रकाश महसूस कर साडा अपने मुख दे चार चफेरे फिर तेनु सारे दिसू ते अनहद शब्द सुन हुन की होया आपां उन्हां दे घेरे विच आ गए अनहद शब्द सुन लिए इत्थे रहना पैना प्रकाश महसूस करन लिए इत्थे रहना पैना इस तरह अर्पण अपने आप नूं करीदा है अपना आप इस तरह अर्पण हुंदा समझते जी सारे हाँ जी टू सुरेंडर ही सेज यू मस्ट सुरेंडर इन ऑर्डर टू बिकम साइलेंट एंड द ओनली वे टू सुरेंडर इज दैट Keep hearing the celestial music permanently. And also the divine light around you. In order to do that, you have to stay here within. And that's how the surrendering happens. We surrender to Him by keep hearing the celestial music and feeling Him within, feeling the divine light. This is how we surrender. We are the consciousness and when we surrender our consciousness to Him, He imbues that with His love. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ सुरेंडर हो गए उदे हवाले हो गए सुरेंडर करता उदे हवाले हो गए हुण उदे हथ विच है उन्हें आपां नूं की करना है की बनाउणा है
by keep hearing the celestial music and feeling the light and His presence, we surrender to Him. This is how we become lodged in His womb. We become lodged in His womb and Satgur ke janam mein, then He is going to give us birth, which would be rebirth. Rebirth. Hun itthe samjhna ji, please. Through remaining in His womb, through constantly hearing the celestial music, feeling Him, the Divine Light, we start becoming silent. Because there is nobody to talk to. Talking is prohibited. He says, just keep hearing. वो आखदा बोलना नहीं, बस बहुत बोल लिया, जरूरत तो ज़्यादा बोल लिया, हुन तक हुन सुनना है, अनहद नाद सुनना है, ते हर वक्त सुनना है। वो सुनना आप चुप होते, क्योंकि वो सुनिया ही ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ। This is how we become silent, peaceful, serene, still. And in that stillness, in that serenity, in that total silence, our old self dies. Because we had withdrawn ourselves from that I who had created her own worlds. Kyunki Satgur de garv vich reh ke ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੋਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਦਿਸੂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਧਮਾਕਾ, ਡੈਫਨਿੰਗ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ
ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੱਪਾ ਮਰੇ ਅਨਹਦ ਮਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ। ਸੋ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਤੂੰ ਸਮਝੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਥਰੂ ਬਿਕਮਿੰਗ ਲਾਜਡ ਥਰੂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੋਂਸਟੈਂਟਲੀ ਇਨ ਹਿਸ ਵੂਮ ਬਾਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। And now how to hear the celestial music, and we have to go back to the old Khajana Darshans and listen to all those. Hune Prani Divana nu sunna, jarur sunna chahida ji, hun appan nu samajh aun lagugi, appan nu disu main pehli vaar sun reha hai. ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੋਟ। ਤੋ ਨੋਟ ਇੰਨੇ ਰੀਝ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਖੱਤੀ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਬਣਾਏ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਂਗ ਜਾਂ ਪਿਆਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ
महाराज जी की बाणी ते आपां हुण ओह प्रैक्टिस कर एक बार दर्शन करने मूल मंत्र आप बहुत बार कल भी एक चिट्ठी आई उन्होंने लिखिया सी बहुत पाठ कर दे 108 मणकियां वाली बहुत माला मूल मंत्र दिया फेर दे गिन के लिखिया इन माला बहुत भले हैं जो तुसी कर रहे वड्डे भाग पर आपां जी हुण जाग के करने मूल मंत्र दे विच देखना जी की एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपान गुर प्रसाद। अगला लफ्ज की है जप। जप का मतलब की होंदा? हाँ जी, व्हाट डज जप मीन्स? हाँ जी, पर की मतलब जा वो तो जप तो जाप इको ही साढ़े न चलाकियां तो ना करो जी दसवें पातशाह जी और ने सी जो जप जप जपना की है उन्होंने क्या आ चीज जपनी तो उसका नाम रख दिता जाप। असल विच जप ते जाप एक ही है। महाराज जी ने जपजी साहब पहले जामे विच कि आ चीज जप जप आ जपनी है उन्होंने इकट्ठिया करके एक बाणी दे विच परो दिता दसवें जामे विच जप साहब कि जो असी क्या सी जप क्यों एक है अनेक है। जप का मतलब सौखा जे जी आप बहुत डूंगा सोच लग पे ने तो बहुत औखा सवाल होना कोई एदा मतलब है कि कड़ी मुड़ी याद कर हाँ जी घड़ी मुड़ी याद कर इनू याद रख तेन होर लफजां च की कहिंदा जी सिमरन। हुण उत्थे देखो कहानी खोल दित्ती सी सारी मूल मंत्र विच पर आपां जे सुत्ते सुत्ते उहदा पाठ करी जावांगे तो होर गल है जाग के गल करी जावांगे कि जप जिसे जिदी सूई आके जप ते खलो गई बस उहदा काम हो गया। तो जे आपां ओह कोल्हू दे बोल दवांगू नाले तुरे जाइए ते नाले जप 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 दे रही है कि खलो जा खलो जा खलो जा खलोई जाना उत्थे जो उन्हें शुरू च किया आ याद रख गल तो बस जप समझना जी चीजा किन्निया मत विच रतन जवाहर मान किन केहो जै हीरे मोती और लुके हुए और लुकाए भी नहीं सामने उन्होंने तो रखे पर दिसते भागा वाले दिसते भाग जप जप
कि जब आद सच जुगाद सच याद रख कि रब ही रब है, तुम ही रब है, आ सब कुछ ही रब है। हुण जे ते तेनू भुख है अपने आप नू देखन दी कि तू कोई एडी उच्ची चीज है, वो अहंकार वाला रब नहीं, वो रब जिदे विच आपां तुरदे फिरदे बैठदे उठदे इशनान करदे उछलदे कूददे सुनदे, वो रब इन्ना निर्मल इन्ना होमे रहत के आपां नूं पता भी नहीं लगन दिंदा कि वह है। आपां नूं पता भी नहीं लगन दिंदा कि वह है, अज तक आपां जाणिया ही नहीं, उन्हों महसूस ही नहीं किया कि जिदे विच तुर रहे हाँ इत रब है। और एक पल होंदा है जिथे अंदर दा रब ते कुदरत सारी दा रब इकट्ठा हो के अंदरों बाहरों एक अंदर दा रब, रब तो ही है पर उहदी खेड है अंदर जिहड़ी चीज़ अपने अंदर हिलदी, और एक सारे ब्रह्मांड की जो ताकत, ये दोवें ताकत अपने अंदर कट्ठिया होके अपने उस मैं नू उड़ा दिंदियां, तुसी रहिंदे नहीं, कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। और आंधी महाराज जी ज्ञान की आई आंधी स्टॉर्म, ए पॉइंट कम्स व्हेन आवर द इनर डिवाइन, द डिवाइन इज वन इनसाइड एंड आउटसाइड, बट ए पॉइंट कम्स व्हेन outer consciousness and inner consciousness, a storm comes and they become one, the boundaries which were set by our body are destroyed and you become the universe, not this body. Then you are no longer the body. People would see you as a body, but you will not be the body. O Rab, O Maharaj ji gal kar de tuma. एक बहुत सवाल आम चिट्ठियों के बीच हुंदा जी कि जो महाराज जी गल करदे हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हाँ जी हुक्म की है, इन मैनी लेटर्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड that Maharaj ji says one, he says you live under his will, under his command. Ye cheez bahut gehri hai, innu हुक्म जे आपां जदों बहुत बंदगी तो बाद सुनना आपां नूं आ जांदा ते फिर वो कहिंदे एको नाम हुक्म है, कहिंदे जे तूं मन्ने जे तूं हुक्म लैना चाहुंना ना कि असीं हुक्म करिए ते तूं मन्नेगा फिर हुक्म
एको नाम हुक्म है सतगुर दिया बुझाए जियो। फिर कहंदे कि हुक्म ते है जप, बस गल खत्म हो गई। तो जे तू जानना चाहना कि हुक्म जिंदगी कि किस हुक्म विच परमात्मा वर्त रहा है, उदा केड़ा हुक्म चल रहा है जिस हुक्म विच वो अपना सारा राज चला रहा, वो तो होर गल है ना जी। समझते जी फर्क दोवां दा। हाँ जी, दैट व्हाट इज हिज कमांड। देयर आर टू थिंग्स। वन इज दैट ही सेज, इफ यू आर आस्किंग मी व्हाट इज माई विल, my will is that you remember, that you remember that you are the divine, and then walk with me, I will take you to the space where you will see who you are. That's one. But if you want to know what is his command, how he is running his kingdom, that's another thing. हाँ जी, उसनु जानना चाहुंदे जी? हाँ जी, दसो जी, जो नहीं तो आप अगे चलते। हाँ जी, जानना चाहते कि हाउ गॉड इज रनिंग हिज। आप सुनिया है कई कंधा ते भी लोगों ने लिखिया गॉड इज लव, रब इश्क है। पर एक कहानी की कुछ समझ नहीं आता, इश्क की होंदा, रब की होंदा, ठीक है ना? हाँ जी, ये तो महाराज जी कहते पढ़े सुने क्या कहते तू कित लिखिया पढ़ लिया जो किसी को सुन लिया, ये नाल की फर्क पै गया, तेन पता लग गया रब की है, तेन पता लग गया इश्क की है। पढ़े सुने क्या होई, जा सहज न मिले सो सहज। सहज एक लफ्ज है जिसनू असी बहुत चाहने कि ये अपनी पकड़ विच आ जाए। सहज बारे अगे गल शुरू हुई सी, वो आपां करनी। सहज का मतलब की हुंदा जी? सह का मतलब हुंदा नाल, सांझा। सहकारी बैंक हन के बैंक का ना सहकारी सांझे बैंक, जिस तरह तो सह का मतलब हुंदा नाल। सहज ज का मतलब हुंदा जन्म होना, जेड़ी चीज़ अपने नाल जन्मदी है। हुई सी ना गल? नहीं हुई सी? हुई सी। हाँ जी, हाँ जी, जदों अपना दोबारा जन्म हुंदा तो एक चीज़ अपने नाल जन्मदी, उन्हूं महाराज जी सहज आखदे। वो सहज वो अंदर दी अडोलता, कोई चीज़ तुहानू हिला नहीं सकूगी, कोई चीज़ तुहानू अंदरों बाहर नहीं लिया सकूगी। बाहर बंब डिगदे होण, कुछ हो जाए,
तुहानू डर नहीं लगेगा, तुसी निरपै की दुनिया बिच सहज सहज चाह के पता लगना राज उहदा किस तरह चलता है। पर आपां हुणे कुछ हिंट लेंदे, महाराज जी राम राय आखदे, राम राय परमात्मा नू राय, राय दा मतलब की हुंदा जी? राजा। कहते किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय, मेरे राम राय, राम राजा, राम जड़ा हर जगह रमिया हुआ है। महाराज जी सेज How I can meet Mere Ram Rai, my Lord Husband, my Lord King, God. How to meet Him? How to meet Him, my Lord, the King, God, who is the owner of the universe, Gosai. Gosai, jo tarti da malik, jo sare brahman da malik, o Ram Raja, onu kis tarah milna? O Raja hai, o ek raj chala reha hai. Oda raj kis tarah chal reha hai? Oda ki hukm hai oda? कानून की है उदे उदे राज दा, ये अपने लिए बहुत जरूरी जानना जी, क्योंकि आपा अपना दूसरा जन्म ता हो सकता जे आपा जानांगे पहला वो अपने आप समझ आ जानी नालों नाल कि कानून उहदा की है। कानून की, किस कानून दे विच वो हर कुछ कर रहा है? वट इज हिज लॉ अंडर विच गॉड इज रनिंग हिज किंगडम? वट इज दैट लॉ अंडर विच गॉड इज रनिंग हिज किंगडम? Please, we should not keep thinking we should only remain grounded, remain rooted within feeling him. Otherwise the whole purpose, we will miss the whole purpose. कल नूं आप देखे अपने नाल बहुत गूढ़ा संबंध है इस चीज़ का कि परमात्मा किस कानून, हाँ, हुक्म की है, हुक्म की है। अगली लाइन नूं विचारना जी कल दे उन तक। कहंदे गुसाई कोई ऐसा संत
सहज सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई। कोई ऐसा संत सहज सुखदाता, संत किसनु महाराज जी कहते जी? गुरु नु। उदापन भी संत कहते, इशारा है कि तुम वही है, तुम वही है। आओ संत प्यारे, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता दर्शन करने जी। महाराज जी कहते कोई ऐसा गुरु मिले जड़ा सहज विच होवे, तो जिदे जिदा अपने अंदर उहदे सुख होवे तो दूजिआं नूं भी सुख वरता सके। ओह ही सिर्फ दिखा सकता है कि उहदा रब राम राय किस तरह अपना ब्रह्मांड चला रहा है। मोहे मार्ग दे बताई। Maharaj says only the guru within whom God is working, operating, out of whom God is operating, and that guru is at peace, is totally silent within. Bilkul chup oda andar. Totally deep silence. Only he can impart the knowledge. And for that, our responsibility is to hear him by becoming silent. Ki koi guru, o guru jada pura shant andar, jida andar chup hai, जिदा अंदर इन्ना चुप हो गया, खाली हो गया कि उन्हें अपना अंदर रब दे हवाले कर दिता, ते रब दे अंदर आके वर्तन लग पे। वो इन्ना चुप हो गया सी, कहिंदे ओ सुखदाता, वो ही सुख कि जदों आप चुप हो जाते तो पूरा सुखी हो जाते। तो कहते कि चुप किस तरह होना है, वो ही दे सकता है सहज, जड़ा सहज विच है। चुप क्यों होना जी? हाँ जी, पूरा हाजिर हो। तुसी बेटे की क्या सी? सहज विच आउंदे। हाँ जी, हाँ जी, समझन लई। हाँ जी, सारे जवाब बिल्कुल ठीक। चुप
चुप होवांगे ते सुन सकांगे, अंदर दा रौला मिटूगा ते अपने आप नूं अर्पण कर सकांगे, अंदर दा रौला मिटूगा ते उसदे गर्भ विच बह सकांगे। जिन्ना चिर अंदर दा रौला है, ये कादा रौला है जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं दा है ना, मैं दा रौला है कि मैं हाँ ते मेरा कुछ है, मैनू एवें ना समझो। हाँ जी, मैं हाँ, हुण इह जिहड़ी चीज़ जन्मां जन्मां तो आपां पालदे रहे, नूं वड्डियां करदे रहे, मैं आप एक दिन एक सज्जन आए थे, ईमानदार बहुत, कहन लगे जी मेरा बहुत चाह सी, मैं डॉक्टर ने हो PhD, कहिंदे मेरे अंदर ये सी कि मेरे नाम दे अगे डॉक्टर जरूर लगना चाहिए। देखना आप वो अपने तो अलग नहीं है ना, हाँ जी, मन एक ही है। जिस मैं आप अनगिनत जन्मों तो पालते आए हाँ, वड्डिया करते आए, हर जन्म विच वड्डिया करते हो, हाँ जी, आप क्यों चाहते हाँ अपने बच्चे अपने नालों भी अमीर होन, अपने नालों भी ज़्यादा पढ़न, अपने नालों उन्हें मशहूर क्यों चाहते हाँ? क्योंकि अपनी मैं उहदे नाल जुड़ी हुई। आ मेरा बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो लोग पता लगू ना मुंडा की दा। होर उन्हूं ये नहीं है, हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर बन के उन्हें कि मैं ये मैं जिन्हों आप पाल दे, समझना जी कहानी किन्नी गहरी, इस मैं नूं तोड़ना, जरा हसदा सी ना ये वो हसदा कहिंदा तोड़ के दिखा। तोड़ के दिखा ते आपां दिखावांगे इहनूं। हाँ जी, ठीक है जी, आपां तोड़ रहे, रोज़ टुट रही, रोज़ टुट रही, विचार जरूर करने चाहिए जी बैठ के, और पुराने खजाना दर्शन प्लीज़ जरूर सुनने चाहिए, बहुत ही जरूरी होने, नहीं तो जिस तरह अगे 26-27 साल लंघ गए, अगले 27 भी इदा ही लंघ जाने, इदा ही लंघ जाने, कुछ भी पल्ले नहीं पैना। 27 वरिया बाद आपां ऊड़ा एड़े नूं समझन की कोशिश कर रहे हैं। कहानी बहुत गहरी है जी, तो आप इनू लाइटली नहीं लेना, बहुत उम्र पई, कुछ भी नहीं उम्र जी, इतने तो उम्र लग जाए, उम्र राणी बनी सी क्वीन एलिजबेथ जी की, हमने जो डेथ हुई इंग्लैंड की, ते भी भगती दा करके हुंदियां जो दुनियावी पदवियां, और वो हाँ 1990 दी गल है उस दहाके दी, कि लंदन तो सीधी अमृतसर आई ते हरिमंदर साहब मत्था टेक के वापस चले गए। वो किसी नूं ना मिली ना, उदन ही दुर्गियाना मंदिर है बहुत वड्डा अमृतसर विच, हिंदू सज्जना ने बेनती की जी साडे भी उत्थे चरण पाओ, कह लगी कि मैं तो सिर्फ इतने मत्था टेकन आई।
ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੈਂਡਰ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100 ਜਨਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀਏ। My true self, my insides do not remain silent. My insides, my true self, there is turmoil within me. Let us go and meet the soul, our truth. Saj vich te pyara naal ji. Mera ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀਏ।